हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज है फरवरी 12th और आज ही अंशुल आए हैं लखनऊ से वापस। कल जाने वाले हैं अंशुल वियतनाम वापस, तो अभी हमारे पास डेढ़ दिन का टाइम है साथ में स्पेंड करने के लिए। आज पता है हम शादी के बाद फर्स्ट मूवी हम दोनों देखने आ रहे हैं। बच्चों के साथ तो हमने देखी है यूएस में भी, बट पहली मूवी जो हम दोनों साथ में देखने आ रहे हैं। बच्चे स्कूल में, बच्चे स्कूल है, तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम स्नीक आउट करते हैं और मूवी देख के आते हैं साथ में। आज पता है बहुत स्पेशल डे, आपको याद है? मुझे पता है, एंगेजमेंट। हम लोग एंगेजमेंट हुए, 9 साल हो गए आज। आज के दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी 12th फरवरी को, सो स्पेशल डे है थोड़ा। थैंक गॉड मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं अभी अपना डंडा निकाल लेती मेरे बैग में जो रखा है। नहीं तो फाइटर मूवी देखने जा रहे हैं, फाइटर मूवी हो जाती है। हम लोग आज मूवी देखने आए हैं डिसिक सेंटर। वहाँ पे हमें मूवी की टिकट्स मिल गई थी। सुबह का शो, आई थिंक 11:30 का शो है, और हम लोग घर से अच्छे से पराठे वगैरह सब ब्रेकफास्ट करके आए थे। बट देन यहाँ आते ही अंशुल बोले चलो कुछ खाते हैं, तो बहुत सारे शॉप्स हमने ट्राई किए बट अभी तक मार्केट खुला ही नहीं था। और डिसिक सेंटर में बहुत सुंदर मार्केट है, जहाँ पे आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतर के बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉपिंग भी कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट लगा ही नहीं था जब तक हम पहुँचे थे। पराठा तो तुमने भी खाया है, तुम भी कबाब खाओ। After a lot of discussion, finally we settled for McDonald's food, क्योंकि McDonald's का खाना हम दोनों को ही अच्छा लगता है। और हमने ऑर्डर किया था पनीर काठी रोल, जो कि अच्छा था। एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम पहले ही आ गए थे मूवी से, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू किल, और अभी तक दुकानें भी नहीं लगी थी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, अदरवाइज मैंने कुछ शॉपिंग ही कर ली होती। सो हमने सोचा कुछ लेते हैं, बैठेंगे, फिर बहुत सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। पता है आप कितना भी फोन कॉल पे बात कर लो, कितनी भी वीडियो कॉल्स कर लो, जो एक पर्सनल कनेक्शन होता है ना आपका अपने पार्टनर के साथ, आमने सामने बैठ के बातें करना, इमोशंस को शेयर करना, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। और अब हमारे पास मीटिंग्स बहुत शॉर्ट होती हैं, कभी हम 2 दिन के लिए मिल रहे हैं, कभी 5 दिन के लिए मिल रहे हैं, सो वी ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो फाइनली हमारा मूवी का टाइम हुआ, हम लोग गए थे फाइटर मूवी देखने। मूवी वॉज ओकेश, फर्स्ट हाफ मूवी का काफी अच्छा था, बट सेकेंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि मूवी काफी ज्यादा ड्रैग हो रही है। समहाउ हमने मूवी फिनिश की, फिर हम लोग घर आए आफ्टरनून में, दोनों बच्चे सो रहे थे। आते ही सबसे पहले बच्चों को उठाया, फिर खूब सारा बच्चों के साथ अंशुल ने खेला। और जब अंशुल आते हैं ना, हर काम बच्चों को अपने अपने डैडी से कराना होता है, बीट नहलाना, खिलाना, मतलब कुछ भी। तो अभी बच्चे दूध पी रहे थे शाम का, तो दोनों बच्चों को हो गया कि अब डैडी के हाथ से ही पीना है। तो यहाँ पे डैडी और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा मैं आज अंशुल का कुछ फेवरेट खाना बनाती हूँ डिनर में। अंशुल को ना पनीर और वेजी रोल बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की है, अगेन आई एम शेयरिंग। अ लॉट ऑफ यू से प्रिया हम आपकी कुकिंग वीडियोस बहुत मिस करते हैं, आपके शिकागो वाले घर को बहुत मिस करते हैं। दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी वो वाली वाइब बहुत मिस करती हूं अपने वीडियोस में। वहां पे मैं आप लोगों के साथ आए दिन कॉस्को हॉल शेयर करती थी, इंडियन स्टोर हॉल शेयर करती थी, मेकअप, कपड़े, बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़, बहुत कुछ था शेयर करने के लिए। यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ का, जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बट ऑनेस्टली मैं भी अपने शिकागो के घर की वाइब बहुत मिस करती हूँ। वो टाइम भी वापस बहुत ही जल्दी आएगा होपफुली। बट हाँ, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल हियर। आप जितने सपोर्टिव वहाँ थे उतने ही सपोर्टिव यहाँ हो, जितने प्यार से आप मेरी वाली वीडियोज देखते थे उतने ही प्यार से आप मेरी यहाँ वाली वीडियोज भी देखते हो, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल। आई डोंट नो मुझे अब और क्या बोलना है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, बट यस, कभी कभी वो छोटा सा वैलिडेशन फ्रॉम योर साइड मेक्स माई डे। जब आपके मुझे मैसेजेस मिलते हैं, प्रिया हम आपके वीडियोस बहुत पसंद करते हैं, या प्रिया आप ये कैसे कर रहे हो इंडिया में, देन आई थिंक कि ठीक है यार, अभी मैं इंडिया में हूँ तो तब भी मैं कुछ अच्छा शेयर कर रही हूँ जो लोगों के शायद काम आ रहा है। चलिए अब बनाते हैं रेसिपी, क्योंकि आप मेरी रेसिपीज बहुत मिस करते हो, तो आज मैंने सोचा एक कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ निकाली हैं, क्योंकि हम वेजी पनीर रोल बना रहे हैं, सबको मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। ये है हेलोपिनो स्लाइसेस, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लूंगी, क्योंकि हम ये भी रोल में लगाएंगे थोड़ा सा रोल को स्पाइस अप करने के लिए। यहाँ पे मैं हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके रख लूंगी, क्योंकि हम ये भी डालेंगे अपनी फिलिंग के अंदर। अच्छा, इसमें सारी सब्जियां जो भी आपके फ्रिज में रखी है ना, वो आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्रोकली,
प्याज, शिमला मिर्च सारे कलर्स की, पत्ता गोभी कट करके रख ली है, हेलोपिनोज मैंने आपको दिखाया वो कट करके रख लिया है, थोड़ा टमाटर आप इसके अंदर डाल सकते हो। और इस रेसिपी में ना हम बहुत सारे मसाले वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिंपल बनाएंगे। अभी आप देखिएगा, कढ़ाई में मैंने डाला 2 चम्मच घी, इसके अंदर हम डालेंगे हींग और जीरा। यहाँ का जो हींग है ना वो बहुत ही फ्लेवरफुल है, तो बिल्कुल थोड़ा सा डलता है, अदरवाइज सब्जियाँ कड़वी हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जब आई थी इंडिया तो मैंने काफी सारा जीरा डाल दिया, जैसा मेरा हाथ सेट था यूएस के हिसाब से, और एक दिन मेरी सब्जी एकदम कड़वी हो गई थी। खैर, अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है हरी मिर्च और जिंजर को, मैं नाम ही भूल गई इसका, और उसके बाद हम इसमें सारी सब्जियाँ एक साथ ही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बस सब्जियों को तब तक कुक करना है जब तक ये एकदम मशीना हो जाए, थोड़ा सा क्रंच हमें रखना है सब्जियों को, पूरा मशीन ही करना। और इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला बहुत मसाले मैं नहीं ऐड करूंगी, इसके अंदर हम डालेंगे चिंग्स का सॉस। दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, अगर आप शेजवान सॉस लेते हैं ना तो आप चिंग्स का ही लीजिएगा। मैंने यहाँ पे वीबा का भी शेजवान सॉस ट्राई किया, बट चिंग्स का जो शेजवान सॉस है दैट इज़ एट पार, इसका टेस्ट कोई भी और शेजवान सॉस मैच नहीं कर सकता। तो इसकी मैंने 3 से 4 चम्मच भर के ऐड कर दी इस मिक्सचर में, बस इसी से ही फ्लेवर आ जाएगा इस पूरी फिलिंग में। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और दैट्स अबाउट इट, फिलिंग हमारी रेडी है। अच्छा, अब इस रोल के बेस के लिए दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप मैदा का आटा गूंथ सकते हो, मैदा की रोटी बना सकते हो रोल के लिए, अदरवाइज आप आटे जो व्हीट फ्लावर है उसकी रोटियां बना सकते हो। सिंस हम अपने घर के लिए बना रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी ही बनाते हैं, तो मैंने व्हीट की रोटियां बनाई हैं। और ये हम इसके अंदर चिपोटले मेयोनीज ऐड करेंगे, आपके पास सिंपल वाली मेयोनीज है आप वो भी लगा सकते हो। अच्छे से इसको स्प्रेड करके अभी मैं आपको इसको असेंबल करना भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट मैं आपको अपना स्टाइल बता देती हूँ मैं कैसे इसे असेंबल करती हूँ। अच्छे से जनरस अमाउंट की ये जो फिलिंग है ये हम लगाएंगे बीच में, और इस रोल को और थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए इसके अंदर जो मैंने हेलोपिनोस कट करके रखे थे वो मैं ऐड कर दूंगी, और ऊपर से मैं इसमें ना थोड़ा सा पत्ता गोभी भी ऐड करूंगी जो मैंने जूलियंस फॉर्म में कट करके रखी थी। ये एक एक्स्ट्रा क्रंच देगा आपके रोल को, एकदम क्रंची सा रोल बनेगा, फ्रेश लगेगा खाने में। ये मैंने ऐड कर दिया, और ये हरी चटनी मम्मी ने बनाई है ये भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस इसको आप इस तरीके से असेंबल करो और फिर सर्व करो। ऑनेस्टली ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और घर का बना हुआ है तो आपने देखा ही है इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं गई, और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड की हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत, मतलब बच्चों को भी पसंद आता है, जब किसी शाम आपको यूजुअल रोटी सब्जी नहीं खानी तो इस टाइप से रोल वगैरह बना लो डिनर में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये एक और वे है जिसे मैंने असेंबल किया था, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था पॉकेट्स बनाना। मैंने रोटी को 1/4 ऐसे कट लगा लिया है, 1/4 पार्ट में हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, हरी धनिया की चटनी, 1/4 पार्ट में हम ये फिलिंग लगाएंगे। बस इसमें ये है कि इसमें जो आप फिलिंग ऐड करेंगे ना वो थोड़ी कम क्वांटिटी की ऐड होगी, अदरवाइज इसकी पॉकेट बन नहीं पाएगी। फिर हम इसमें हेलोपिनोज ऐड कर देंगे ऊपर, और 1/4 पार्ट में हम ये पत्ता गोभी इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। और इसको अभी देखिएगा मैं किस तरीके से फोल्ड कर दूंगी पॉकेट फॉर्म में। टॉकिंग अबाउट माय एक्सरसाइज, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि प्रिया आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? सो मेरे एक ट्रेनर हैं जिनकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ़ इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन हिज सेशंस। वो बहुत अमेजिंग काम करते हैं, मैं जब से इंडिया आई हूँ उनके साथ एक्सरसाइज करती हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो सी डिफरेंस इन माई बॉडी। मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी टोनअप हो गई है, मैं वीक में 3 टाइम्स करती हूँ एंड आई एम सीइंग सच पॉजिटिव रिजल्ट्स। हेलो दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी एंड आई रियलाइज मैंने इस वीडियो को प्रॉपरली एंड नहीं किया। इट्स ऑलमोस्ट अ वीक जब मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियोस तो शेयर कर रही थी बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया लास्ट एक पूरे हफ्ते में। मैंने सोचा चलो आज कैमरा उठाते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरा एक मिंत्रा का पैकेज रिसीव हुआ, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था अपने लिए, कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सारा सामान मैंने खुद से मंगवाया है। मैं आपको ना आराम से नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। एक्चुअली ना इस जो भी चीजें आई थी, एज यूजुअल मैं बहुत इंपेशेंट पर्सन हूँ, मैंने सब खोल के ट्राई करके देख लिया, बट कुछ चीजें ना साइज की नहीं आई है तो वो अच्छी नहीं लग रही। चीज बहुत अच्छी है, जैसे मैंने एक जीन्स ऑर्डर की है बट वो ना बड़े साइज की आ गई है, उसको मैं प्रॉपर साइज में ऑर्डर करूंगी फिर मैं आपको पूरा ट्राई ऑन दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सी मैंने एक अलग से स्टाइल की जीन्स मंगवाई है जो मेरे पास नहीं थी अभी तक, और एक अलग से स्टाइल का टॉप भी मंगवाया है। टॉप तो सही साइज का आया है बट मैंने 2 टॉप मंगवाए हैं, एक मुझे पसंद नहीं आया तो वो मैं रिटर्न डाल दूंगी, एक अच्छा आया है। अभी यहाँ पे केशव सो रहा है और गोविंद पढ़ाई कर रहा है क्योंकि कल उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके पास 4 एग्जाम्स हैं
पूरे 2 हफ्ते में खत्म होंगे, मंडे फ्राइडे ऐसे करती हूँ, उसके एग्जाम्स हैं। उसको सुबह थोड़ा पढ़ा दिया था, अभी थोड़ा सा होमवर्क दे दिया, वो कर लेगा एंड दैट्स अबाउट इट। इस वीडियो को एडिट करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा, कुछ इनसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो में, कुछ आपको हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो। एंड दोस्तों ऑनेस्टली जितना आप लोग मिस करते हो ना मेरे शिकागो के ब्लॉग्स, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं भी उतना ही मिस करती हूँ, मेरा घर, माई एवरीथिंग। बट पता है मैंने ना एक जगह कल एक लाइन पढ़ी थी, जहाँ पे आज आप हो ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ही वॉन्टेड यू टू बी हेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज वाई यू आर हेयर, इट इज इन हिज डिवाइन प्लान दैट यू आर हेयर। सो जस्ट ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स, ट्रस्ट हिज डिसीजंस एंड यू आर गुड। सो जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे बस यही सोचो कि ये सब कुछ अच्छे के लिए है और गॉड ने आपके लिए प्लान किया है। तो ये सोच के, ये बिलीव अपने अंदर बिठा के आप खुश रहोगे। तो यही था एक छोटा सा मैसेज जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।